चेहरे पे अनचाहे बाल किसी भी लड़की को पसंद नहीं है, है ना। और ये चेहरे पे जब ये अनचाहे बाल आते हैं, जिसको हम हर सिटिज्म कहते हैं मेडिकल भाषा में, ये बहुत सारे हार्मोन की गड़बड़ों की वजह से होता है। उसमें से पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम यानी PCOS आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कॉमन वजह बन चुकी है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि हर्सिटिज्म क्या होता है, किस वजह से होता है, इसको मेडिकली कैसे ठीक करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में मुझे ऐसे कमेंट्स में लिखा था कि कोई नेचुरल तरीका है जिससे हर्सिटिज्म कम हो सकता है, तो वो आप प्लीज़ बताइए। तो उसी कमेंट के हिसाब के ऊपर आज का ये वीडियो हमने बनाया है। और मैं इस वीडियो के दौरान आपको जो नेचुरल तरीके हैं जो चेहरे के अनचाहे बालों को कम करने में सहायता कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल, और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। देखिए, आज के इस वीडियो में हम घरेलू जो नुस्खे हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक घरेलू नुस्खे हर एक मरीज के ऊपर फ़ायदेमंद हो, क्योंकि हर एक का मेडिकल केस अलग होता है और हर एक के शरीर के हार्मोन की गड़बड़ों का लेवल भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपके हार्मोन की गड़बड़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये नुस्खे आपको फ़ायदे कर सकते हैं, और अगर आपका हार्मोन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप मेरे पहले वाले वीडियो में जो भी मैंने बताए हैं तरीके, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन कोई भी लेवल हो, कम या ज़्यादा, अगर आप ये नुस्खों का फ़ायदा करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हद तक आपकी ट्रीटमेंट में सहायता ही करेगा। तो इसमें सबसे पहला नुस्खा है, वो है शुगर रिंग। जी हाँ, इसमें क्या करना है, आपको लेना है चीनी, और ये जो सफ़ेद चीनी जो होती है इसके ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स देने, बहुत मोटे ग्रैन्यूल्स वाली शक्कर का चुनाव मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी स्किन पे इरिटेशन कर सकती है और सही तरीके से एक्सफोलिएशन नहीं करेगी। छोटे दाने वाली चीनी का इस्तेमाल कीजिए, और इसके अंदर आपको मिलाना है नींबू का रस। जी हाँ, लेमन जूस और शक्कर, ये दोनों को आप अच्छे से मिला लीजिए। और अगर आप आपके चेहरे पे शुगरिंग करते हैं कम से कम 5-7 मिनट, ऐसे हफ्ते में 2-3 बार कर लेंगे, तो आपके चेहरे की तो स्किन एक्सफोलिएट तो हो जाएगी, और लेमन जूस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज से आपके चेहरे के बाल कम भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखें, अगर आपके चेहरे पे अगर आपको लेमन जूस का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो आप लेमन जूस की जगह पे आप हनी या तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया शुगर। साथ ही दूसरा जो है वो फेस पैक है, वो फेस पैक में आपको मिलाना है बेसन, हल्दी पाउडर और दही। ये तीनों से भी आप फेस पैक लगा सकते हैं, हफ्ते में 2-3 बार लगाइएगा, और फिर गर्म पानी से आप आपका चेहरा धो लीजिए। अगर आपको ये फेस पैक नहीं पसंद तो थर्ड फेस पैक है, उसमें आपको लेना है ये बेसन है, फिर हल्दी पाउडर है, चंदन पाउडर, सैंडलवुड पाउडर जिसको कहते हैं, और हनी यानी शहद। ये चारों को मिक्स करके आप फेस पे लगाइए 15-20 मिनट के लिए, और फिर चेहरा आपका धो लीजिएगा। ये भी एक अच्छा फेस पैक है। दूसरा एक फेस पैक है जिसको हम एग वाइट फेस पैक कहते हैं, इसके अंदर आपको लेना है एक अंडे की सफ़ेद यानी वाइट पार्ट, उसके अंदर आप मिलाइए शहद और कॉर्न फ्लोर। जी हाँ, ये तीनों के मिक्सचर के कॉम्बिनेशन से भी आपकी चेहरे की स्किन टाइट होती है और जो अनवांटेड अनचाहे बाल है वो भी कम हो जाते हैं। और एक ऑप्शन है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं हनी यानी शहद और नींबू का रस, ये दोनों मिक्सचर को भी आप जब इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे के बाल कम हो जाते हैं। और एक फेस पैक है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं पपाया, जी हाँ, जो पपीता आता है वो, और उसके अंदर आप लीजिए नींबू का रस। ये पपीता के अंदर जो पेपेन वाला जो केमिकल है ये भी आपके चेहरे के अनवांटेड बालों को कम करता है। उसी प्रकार और एक फेस पैक आप बना सकते हैं जिसमें आपको लेना है कच्चा पोटैटो यानी आलू, और ये आलू को घिस के आपको उसका रस निकाल लेना है। आलू के जो रस रहता है उसके अंदर खास प्रकार के ब्लीचिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है, तो
तो ये आलू के मिक्सचर को जब आप लाल मसूर की दाल है उसके साथ में मिक्सचर करके अगर आप लगाते हैं तो ब्लीचिंग एजेंट के साथ साथ में आपकी चेहरे की स्किन एक्सफोलिएट होगी और अनचाहे बाल निकल सकते हैं। तो ये सब कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फेस पैक है, एक्सफोलिएशन है, तो आपके चेहरे के बाल कम हो सकते हैं। उसी प्रकार कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी हर्बल सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के पहले आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि क्या ये सप्लीमेंट आपके केस के लिए सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हर्बल फॉर्मुलेशन है जो कुछ कुछ कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माने जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला हर्बल सप्लीमेंट है जिसका नाम है 100 पालमेटो। जी हाँ, ये बाज़ार में मिल जाएगा आसानी से, इसकी बॉटल में आती है इसकी गोलियाँ। और ये 100 पालमेटो जो होता है ये एक खास प्रकार का एक हर्ब है, प्लांट है। तो जो 100 पालमेटो जो दवा है उसके अंदर एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है, यानी ये आपके शरीर के जो मर्दाना हार्मोन जो है उसके लेवल को कम करता है। देखिए, चेहरे पे बाल जो आ रहे हैं लड़कियों के अंदर, जो साधारण केस में होते हैं लड़कों में, जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, तो जब ऐसी इफेक्ट आ रही है आपके चेहरे में, यानी आपके शरीर में मर्दाना हार्मोन ज़्यादा पावरफुल है। तो 100 पालमेटो क्या करता है, ये मर्दाना हार्मोन जो है एंड्रोजेनिक हार्मोन उसको कम करता है। तो 100 पालमेटो के सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि 100 पालमेटो वाला जो हर्बल सप्लीमेंट है बहुत सी बार ब्लीडिंग कर सकता है, यानी खून आपके शरीर के अंदरूनी हो सकती है। खास करके अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो आप डेफिनेटली आपके डॉक्टर को बताइएगा। अब मैं ये टॉपिक पे क्यों आ रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले समझिए, सबसे ज़्यादा हर्सिटिज्म का प्रॉब्लम होता है PCOS की लड़कियों और महिलाओं को, ठीक है। तो PCOS को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त पे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ गर्भ निरोधक गोलियाँ लेती है, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप गर्भ निरोधक गोलियाँ ले रहे हैं और उसमें अगर आपने 100 पालमेटो मिक्सअप कर दिया तो हो सकता है ब्लीडिंग टेंडेंसी आ जाए। तो डेफिनेटली आप आपके डॉक्टर को पूछ लीजिए कि क्या ये सप्लीमेंट आपके लिए ठीक है या नहीं है। बहुत सी बार कुछ कुछ ऐसी खास महिलाएं होती है जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। कौन सी महिलाएं हैं जिसको गर्भ निरोधक गोलियाँ नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए मैंने खास अलग वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये डेफिनेटली चेक कर लीजिए कि क्या आप गर्भ निरोधक गोलियों के लिए कैंडिडेट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली डॉक्टर को पूछिए। और अगर ये गोली ले रहे तो क्या 100 पालमेटो लेना है नहीं लेना है, वो भी आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को पूछ लीजिएगा। दूसरा सप्लीमेंट है जिसको कहते हैं चेस्ट ट्री। जी हाँ, ये भी एक हर्बल फॉर्मुलेशन है, लेकिन अगर आप चेस्ट ट्री जो अगेन एंटी एंड्रोजेनिक की इम्पैक्टफुल करती है, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बात का ख्याल रखिए कि आप ऐसी कोई मानसिक विकारों की दवाइयाँ तो नहीं ले रहे, क्योंकि बहुत सारी एंटी साइकोटिक दवाओं के साथ में अगर आप चेस्ट ट्री के सप्लीमेंट को लेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। उसी प्रकार पार्किंसन की बीमारी की गोलियों का अगर आप बाई चांस इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको ये चेस्ट ट्री के सप्लीमेंट लेने के पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। तीसरा हर्बल सप्लीमेंट है जिसको कहते हैं ब्लैक कोहोश। जी हाँ, बहुत ज़्यादा औरतें खास करके महीने बंद हो जाने के बाद में पोस्ट मेनोपॉजल ये दवा को लेते हैं, इसके सप्लीमेंट्स को लेते हैं। तो ब्लैक कोहोश के अंदर भी एंटी एंड्रोजेनिक यानी मर्दाना हार्मोन को कम करने की ताकत है, लेकिन अगर आपके शरीर में कोई लीवर की बीमारी है तो आपको ब्लैक कोहोश लेने के पहले सोच विचार अच्छे से करना चाहिए। साथ ही साथ ब्लैक कोहोश की दवा के वजह से बहुत से लोगों को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी खून के अंदर जब खून बहता है और उसके अंदर एक क्लॉट बन जाता है, जम जाता है, इसको ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो बहुत सी बार ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी हो सकती है, तो अगर आपके खून में या तो आपको अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की कोई बीमारी है तो भी आप आपके डॉक्टर को पूछिए। ये तीन हर्बल सप्लीमेंट्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में किए जाते हैं। इसके अलावा एक खास प्रकार की चाय आती है जिसको कहते हैं स्पेरमिंट टी।
ये स्पेयरमिंट की टी आप ले सकते हैं, दिन में 1 से 2 कप आप लीजिए। इससे आपके एंड्रोजेनिक हार्मोन कम होंगे और हर्सिटिज्म की समस्या आपकी कम हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ 2 ऐसे टॉपिकल यानी चेहरे की चमड़ी के ऊपर लगाने वाले तेल जो हर्सिटिज्म में फ़ायदा करते हैं। उसमें से सबसे पहला है टी ट्री ऑयल यानी कि चाय का तेल। जी हाँ, तो ये जो टी ट्री ऑयल जो होता है ये खास करके हर्सिटिज्म को तो कम करता ही है, साथ ही साथ आपके चेहरे पे अगर मुहासे है और एक्ने है और या तो फिर उसके स्कार या तो मार्क्स बन चुके हैं, धब्बे हो चुके हैं मुहासों के, जिससे उसको भी कम करता है। टी ट्री ऑयल सबसे ज़्यादा एक्ने और हर्सिटिज्म में फ़ायदा करता है। उसी प्रकार दूसरा तेल है जिसको हम कहते हैं लेवेंडर का तेल। ये लेवेंडर के टी ऑयल को भी आप टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिए, ये दोनों ऑयल जो है आपको चेहरे पे लगाने हैं चेहरा धोने के बाद में, ये तेल का आपको मुंह से सेवन नहीं करना। तो ये सब कुछ फेस पैक्स हो गए, कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स हो गए, कुछ चाय हो गई और कुछ ऐसे ऑयल, ये सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके चेहरे के अनवांटेड बालों को निकालने के लिए। इसके अलावा कुछ खाने पीने की और डेली लाइफस्टाइल की कुछ चेंजेस अगर आप नहीं किया है तो डेफिनेटली कीजिए। उस पर सबसे पहला है आपको करना है दिन में कम से कम 45 मिनट का वॉकिंग या तो कोई भी एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि जितना आप वॉकिंग एक्सरसाइज करेंगे आपके खून के अंदर का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होगा, और जैसे ही वो कम होगा आपका PCOS कम हो जाएगा और आपके शरीर के मर्दाना हार्मोन कम होते जाएंगे, और ये हर्सिटिज्म को कम करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है कम करने के लिए। तो वॉकिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी है। मेक श्योर कि आप ज़्यादा मानसिक तनाव में ना हो, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कर सकते हैं। देन आपकी रातों की नींद सही से होनी चाहिए, 7-8 घंटे आपको रात को अच्छे से सोना है। 6 से 8 ग्लास पानी आपको रोज़ाना पीना है क्योंकि इससे आपके हॉर्मोन्स सही तरीके से कार्य करते हैं। खाने पीने में भी बहुत अच्छे चेंजेस लाने ज़रूरी है। जितना हो सके आप आपके खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से हरी सब्जियां है, फल है, उसका इस्तेमाल कीजिए। जितना बाहर पैकेट में मिलने वाले प्रोसेस्ड खाने हैं उस खानों को कम इस्तेमाल कीजिए। अगर हो सके तो आपके खाने पीने में ज़्यादा मात्रा में आपको लेना है प्रोटीन और अच्छी क्वालिटी का फैट। जब हम अच्छी क्वालिटी का फैट कहते हैं तो ये फैट मिलता है आपको एनिमल बेस्ड फैट में से, या तो फिर जैसे हमारे भारत देश में मिलने वाला घी है, नारियल का तेल है, नारियल है, आवाकाडो है, इसको हम गुड क्वालिटी फैट कहते हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 6 के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। जितना हो सके ट्रांस फैट है, मार्जरीन है, ओके, मेयोनीज है, ऐसे प्रोसेस्ड जो खाने हैं, बटर है, इसको आप कम ही इस्तेमाल कीजिए। वेजिटेबल्स ऑयल को आपको नहीं लेना है। तो ये सब भी चेंजेस जब आप करेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी की अंदर से इम्प्रूवमेंट आएगा, और जितना आपका बॉडी इंटरनली हेल्दी रहेगा उतने आपके हॉर्मोन्स ठीक रहेंगे और हॉर्मोन्स की गड़बड़ नहीं होगी। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के टिप्स को आप डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा और आपका हर्सिटिज्म का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, अगर आपको हर्सिटिज्म का प्रॉब्लम है तो इसको मेडिकल मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने उसके बारे में डिटेल में बात की। नीचे कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली लिखिए कि क्या आपको हर्सिटिज्म की बीमारी है और क्या आपने कभी अपने खून के एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जांच कराई है। अगर कराई है तो नीचे लेवल लिखिए, मैं बताऊंगी आपको कि क्या इसके वजह से आपको हर्सिटिज्म आया है या नहीं आया है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर कमेंट्स को अच्छे से पढ़ती हूँ, उनका जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।